जानिए क्या थी राधा की अंतिम इच्छा, क्यों तोड़ी थी श्री कृष्ण ने बांसुरी। राधा की बात हो, कृष्ण का जिक्र ना हो, भला कैसे संभव हो सकता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे जो ठहरे, तभी तो सभी भक्त कृष्ण को राधा कृष्ण के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये दो नाम एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस नाम के जपने से जीवन रूपी नैया पार लग जाती है। किसी भी मंदिर में चले जाइए, हमेशा श्री कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति ही लगाई जाती है। अगर आप वृंदावन के भी किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको कृष्ण के साथ राधा ही मिलेंगी। कृष्ण से राधा को और राधा से कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता। इनका रिश्ता ही इतना गहरा है, लेकिन यह रहस्य आज भी बना हुआ है। श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? दोस्तों, श्री कृष्ण ने क्यों छोड़ा राधा प्यारी को? राधा ने कृष्ण के बिना अपने जीवन को कैसे बिताया? ये सवाल बहुत गहरे हैं, लेकिन सवालों की गहराई में जाने के बाद शायद इसका सही उत्तर मिल जाए। ये तो सभी को पता है कि श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते थे, कुछ को परेशान भी करते थे, लेकिन कृष्ण के साथ ही तो वृंदावन में खुशियां थी। बड़े होकर के कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अनेकों गोपियों का दिल जीता। सबसे अधिक यदि कोई उनकी बांसुरी से मोहित होता तो वो राधा थी, परंतु श्री राधा से कहीं अधिक स्वयं कृष्ण राधा के दीवाने थे। श्री कृष्ण से बड़ी थी राधा रानी। राधा श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी। वृंदावन से कुछ दूर रेपल्ली नामक गांव में रहती थी, लेकिन रोज कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन उन्हें वृंदावन खींच लाती थी। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते तो सभी गोपियां उनके आसपास मंडराने लगती, उन्हें रिझाने लगती, लेकिन संगीत को सुनते ही सभी मग्न हो जाती। फिर कृष्ण गोपियों को अपनी धुन पर छोड़ करके चुपके से श्री राधा से मिलने उनके गांव पहुंच जाते। धीरे धीरे वह समय बीता तो कृष्ण को वृंदावन को छोड़ मथुरा जाना था। विरह की बेला, वृंदावन में शोक का माहौल हो गया। इधर कान्हा के घर में माँ यशोदा तो परेशान थी, लेकिन कृष्ण की गोपियां भी कुछ कम उदास नहीं थी। कृष्ण को लेने के लिए कंस ने रथ भेजा था, जिसके आते ही सभी ने उस रथ के आसपास घेरा बना लिया, ये सोचकर कि वो कृष्ण को जाने नहीं देंगे। उधर श्री कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि जाने से पहले एक बार राधा से मिल लें, इसलिए मौका पाते ही वे छिप करके वहां से निकल गए। फिर मिली उन्हें राधा, जिसे देखते ही वे कुछ कह ना सके। राधा कृष्ण के इस मिलन की कहानी अद्भुत है। दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे, ना कुछ महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा कृष्ण को न केवल जानती थी, परंतु मन और मस्तिष्क से समझती भी थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है, वे पहले से ही भांप लेती थी, इसलिए शायद दोनों को उस समय कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अंततः कृष्ण राधा को अलविदा कहे और वहां से लौट आए। उन्होंने गोपियों को भी मना लिया। क्यों सूना हुआ वृंदावन? कृष्ण के बिना वृंदावन सूना हो गया। ना कोई चहल थी, ना पहल थी, ना ही श्री कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे हुए थे। परंतु दूसरी ओर राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदाई उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। यदि कुछ महत्वपूर्ण था तो
श्री राधा कृष्ण का भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़े रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती। वे कृष्ण प्रेम में अपनी सुध खो चुकी थी। उन्हें उतना भी होश नहीं था कि आने वाले समय में राधा की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी। उन्हें इसका नाजा भी नहीं था। माता पिता के दबाव में आकर के राधा को विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद अपना जीवन, संतान तथा घर गृहस्थी के नाम करना पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वो कृष्ण का ही नाम लेती थी। राधा ने छोड़ा घर। दिन बीते, साल बीत गए और समय आ गया था जब राधा काफ़ी वृद्ध हो गई थी। फिर एक रात वे चुपके से घर से निकल गई। घूमते घूमते कृष्ण की द्वारका नगरी में जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने श्री कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया, लेकिन पहली बार में उन्हें वो मौका नहीं मिला। परंतु फिर आखिरकार उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के बीच खड़े कृष्ण को खोज लिया। राधा को देखते ही कृष्ण के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दोनों में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वह मानसिक संकेत अभी भी वही थे। उन्हें उस वक्त भी शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं कि कृष्ण के राधा के अनुरोध पर उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त करा दिया। वे दिन भर महल में रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती। जब भी मौका मिलता दूर से ही कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन फिर भी न जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भय पैदा हो रहा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता जा रहा था। उन्हें फिर से कृष्ण से दूर हो जाने का डर सताता रहता। उनकी ये भावनाएं उन्हें कृष्ण के पास रहने न देती। साथ ही बढ़ती उम्र ने भी उन्हें कृष्ण से दूर चले जाने को मजबूर कर दिया। अंततः एक शाम वो महल से चुपके से निकल गई और न जाने किस ओर चल पड़ी। वे नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही हैं, आगे मार्ग पर क्या मिलेगा। बस चलती जा रही थी। परंतु कृष्ण तो भगवान हैं, वे सब जानते थे। वे अपने अंतर्मन से जानते थे कि राधा कहाँ जा रही हैं। फिर वह समय आया जब राधा को कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वो अकेले थी और बस किसी भी तरह से कृष्ण को देखना चाहती थी। यह तमन्ना उत्पन्न होते ही कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देख राधा थी प्रसन्न हो गई। परंतु वह समय निकट था जब राधा अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने फिर से कहा कि जीवन भर राधा ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए राधा ने एक ही मांग की कि वे आखिरी बार कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद मधुर धुन में उसे बजाया। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके जाते ही कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और कोसों दूर फेंक दी। मित्रों, ये कथा आपको कैसे लगी, आप अपनी राय अवश्य दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।